अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 8 + 6 iota + 6 + 4 iota, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट से बाहर में लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। 8 + 6 iota, ठीक है, ये प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, +6 + 4 iota, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और रियल जो पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो 8 और 6 कितनी होती है 14, ठीक है। फिर 6 iota और 4 iota, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो +10 iota। तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट हमारे पास आ गया 14, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 10, ठीक है ना। आयोटा लगाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाएं तो भी, इधर हमने इमेजिनरी शो किया हुआ है तो लाजमी की आयोटा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं 10 के साथ आयोटा नहीं लिख रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 iota × 7 - 4 iota। तो ये जो 3 iota है 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ होगा। तो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, 7 × 3 = 21, तो 21 iota, ठीक है ना। प्लस माइनस, माइनस इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। 3 × 4 = 12 आयोटा और आयोटा, ठीक है ना, ये आयोटा है, आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर। तो 21 iota - 12 iota स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। इधर बेशक का पवाला दे देंगे, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 12 × 1 = 12, तो ये 12 आ गया, तो ये 21 iota + 12, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट 12 आ गया, क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 21। तो इस तरीके से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 5 + 2 iota की पावर -1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, वी एफ हमारे पास क्या है, 5 + 2 iota की पावर -1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पावर जो है माइनस से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + 2 iota। अभी ये डिवाइड हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड में मेरी पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी डिवाइड की फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन। अभी क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में हमारे पास क्या आएगा, 1 / 5 + 2 iota, ये किस मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर, और ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 - 2 iota / 5 - 2 iota, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, 1 × 5 - 2 iota / 5 - 2 iota / 5 + 2 iota, ठीक है। आयोटा को मैं इस तरह करता हूँ ताकि साफ नजर आ जाए, ठीक है। तो ये 5 + 2 iota और ये वाला इसके साथ जाएगा, तो 5 - 2 iota, ये 5 - 2 iota है, तो 5 - 2 iota। अभी ये 1 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आ जाएगा, 5 - 2 iota आ जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a² - b² किसके बराबर है, a - b × a + b के।
तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये पहला वाला हमारे पास ए है ठीक है ना, ये फॉर बन रहा है ना इधर, तो ये पहला वाला ए है, ए हमारे पास क्या है फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर, फिर माइनस है फार्मूले का माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है टू आयोटा है, तो टू आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइव माइनस टू आयोटा ठीक है, टू आयोटा ओवर फाइव, फाइव से 25, फिर क्या आ जाएगा माइनस टू टू इज फोर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट फाइव माइनस टू आयोटा अपान ठीक है, तो 25 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है माइनस वन के, तो ये माइनस वन ठीक है, तो फाइव माइनस टू आयोटा अपान, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं ठीक है, प्लस हो जाएंगे, तो फोर और फाइव कितने होते हैं 29, तो इसका रियल जो पार्ट है, रियल पार्ट क्या रहे फाइव अपान 29, और इमेजिनरी पार्ट क्या रहे माइनस टू अपॉन 29, तो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट कर लिया, तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।